हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक है वह भी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो टॉपिक क्या है? पीएम स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश का शीर्ष स्थान। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। मैं हूँ विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं साहित्य भवन का यूट्यूब चैनल। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, पीएम स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। अब प्रश्न किस तरह से यहाँ पर फ्रेम होता है, तो प्रश्न इस तरह से फ्रेम हो सकता है कि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस राज्य ने किया है, तो वहां पर हमारा उत्तर क्या होगा? मध्य प्रदेश। देश भर में शहरी स्ट्रीट वेंडर अर्थात जो रेहड़ी पटरी वाले होते हैं शहरों में, उनको आसानी से ऋण देने के लिए पीएम स्वनिधि योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। मध्य प्रदेश ने इस योजना के अंतर्गत अब तक 11,95,000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर को ऋण देकर पहला स्थान प्राप्त किया है। इस योजना के अंतर्गत रुपये 10,000, 20,000 और 50,000 रुपये के तक के ऋण दिए जाते हैं, अर्थात इस योजना की जो ऋण सीमा जो है वो 50,000 है और इसमें बिना जमानत के जो है वो ऋण दिया जाता है। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, अर्थात ये सेंट्रल की योजना है और यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है, अर्थात इसमें जो धन का अरेंजमेंट किया जाता है वो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और क्या फ्रेम होता है कि केंद्रीय आवासन और शहरी मंत्री कौन है, तो केंद्रीय आवासन और शहरी मंत्री वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर है। अब एक क्वेश्चन और किस तरह से फ्रेम हो सकता है कि केंद्रीय आवासन और शहरी मंत्री जो हैं मनोहर लाल खट्टर किस लोकसभा क्षेत्र से चुने गए हैं, तो वो करनाल, हरियाणा की करनाल लोकसभा क्षेत्र से चुने गए हैं। अब मध्य प्रदेश के बारे में भी हमें ये तो मालूम ही होना चाहिए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। एक जीके एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रतियोगिता साहित्य की करंट अफेयर्स हिंदी मासिक पत्रिका का अध्ययन अवश्य करें। धन्यवाद।